स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में इस मंथ का करंट अफेयर लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम लगभग 25 से 26 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप और भी इसी तरह की वीडियो देख पाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक समय पर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा और अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए। सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर के होंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मतलब कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलते हैं 18, 19, 20 तथा 21 मई को। अगर आपको पता है तो 2 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए। तो देखिए ये मनाया जाता है हर साल 20 मई को। हर साल 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे मतलब कि विश्व मधुमक्खी दिवस। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब कि आईसीसी ने आगामी विश्व कप 2019 के इनामी राशि की घोषणा हाल में ही की है। मतलब कि जो आईसीसी कप हो रहा है 2019 का, इसमें जो विजेता टीम है उसको कितनी राशि मिलेगी। जो विजेता है उसको एक राशि मिलती है, एक कप मिलता है। तो यहाँ पे जो विजेता टीम है उसको कितना पैसा मिलेगा सीधा सीधा आपको ये बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है तो ये मिलता है, इस बार मिलेगा 40 लाख डॉलर। मतलब कि इस बार जो टीम जीतती है आईसीसी कप 2019 को उसको ट्रॉफी के साथ 40 लाख डॉलर रुपए भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल बताना है आपको, ये पूरे विश्व स्तर पे मनाया जाता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये मनाया जाता है हर साल 15 मई को। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं तो इसीलिए इस वीडियो में हम सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है हर साल 15 मई को। अगला क्वेश्चन कि सरकार ने हाल में ही देश के तीनों सेनाओं का एक संयुक्त संगठन बनाया है जिसको कहा जाता है आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। मतलब कि अभी तक जो तीनों सेनाएं थी ये अलग अलग रिपोर्ट करती थी केवल किसको, तो प्रेसिडेंट को। लेकिन अब इन तीनों को मिला करके एक संयुक्त संगठन बनाया गया है और इसका नाम आप देख सकते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो संगठन बनाया गया है उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये संगठन बनाया गया है तो इसके प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब एक संगठन बनाया जाएगा तो उसका कोई ना कोई हेड होगा। तो ये जो संगठन बनाया गया इसका हेड कौन है, तो इसके हेड है मेजर जनरल एके ढींगरा। ये है इनके हेड, जो ये आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन बना है इसके हेड है मेजर जनरल एके ढींगरा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश ने दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान 7 दिनों और 24 घंटे खुले रख सकने के लिए कानून लागू किया है। मतलब कि अब आप इस राज्य या फिर इस संघ शासित प्रदेश में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है 7 दिन और 24 घंटे मतलब कि 24x7 खुले रख सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताते रहिए सीधे कमेंट बॉक्स में। तो ये है गुजरात, गुजरात ने ऐसा किया है और ये पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में नियुक्त किए गए भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच ड्रैगन मिहाइलोविच कौन से देश के हैं। देखिए ये जो वॉलीबॉल टीम है, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम है, उसके कोच नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन सकता है कि मतलब कि जो पुरुष वॉलीबॉल टीम है भारतीय, इसके मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है, तो ये है ड्रैगन मिहाइलोविच। और अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ये कौन से देश से हैं, तो ये है सर्बिया से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय मतलब कि UNDRR ने निम्न में से किसे प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है।
मतलब कि जो UNDRR है ये किसको ये अवार्ड दिया है, जिसका नाम है ससाकावा पुरस्कार 2019। तो ये मिला है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को ये अवार्ड मिला है किसके द्वारा, UNDRR के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया। तो ये बना है ताइवान, ताइवान पहला एशियाई देश बना है जिसने कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया था। अगला क्वेश्चन, कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी मतलब कि NBSA, इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो प्रमुख है ये नियुक्त किया गया है जस्टिस AK सीकरी को, जो ये जज रह चुके हैं, न्यायमूर्ति रह चुके हैं, इनको नियुक्त किया गया है NBSA का प्रमुख। अगला क्वेश्चन, कि ब्रिटेन ने एंडी मरे को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो आपको बताना है कि जो एंडी मरे हैं कौन से देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये हैं ब्रिटेन के। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मतलब कि जो एंडी मरे हैं उनको जो नाइटहुड का सम्मान मिला है ये कौन सा देश देता है, जो नाइटहुड का सम्मान है तो ये देता है कौन, तो ब्रिटेन देता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए कि जो एंडी मरे हैं वो कौन से खेल को खेलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो जो एंडी मरे हैं ये एक टेनिस खिलाड़ी है, कहाँ के हैं तो ब्रिटेन के हैं, और इनको जो अवार्ड दिया गया है उसका नाम क्या है तो नाइटहुड नाम है। किसने दिया है तो ब्रिटेन सरकार ने ही दिया है। और ये नाइटहुड क्या है तो ये ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होगा तो ये होगा भारत रत्न। कई बार ये भारत रत्न विदेशी व्यक्तियों को भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, कि विश्व दूर संचार दिवस मतलब कि वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये कब मनाया जाता है। आप लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। तो ये सही उत्तर है 17 मई को, 17 मई को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी द्वारा निम्न में से किस देश के एक नोट को बैंक नोट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 दिया गया है। मतलब कि ये जो इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी है इसने एक बैंक के एक नोट को एक अवार्ड दिया है और उसका नाम है बैंक नोट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018। तो आपको बताना है कि यह कौन से देश का बैंक है। तो यह है कनाडा का, ये कनाडा को मिला है। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग जरूरी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। अपना उत्तर कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है कि ये मनाया जाता है, इसका कोई खास डे नहीं है, जो विश्व हास्य डे है इसका कोई खास डे नहीं है। ये मनाया जाता है मई महीने के पहले संडे को, जो मई महीने का पहला संडे पड़ेगा ये चाहे जिस तारीख को भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मई महीने के पहले संडे को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके विभिन्न परीक्षाओं में करंट के रूप में बन रहे हैं। आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने 10 कामो 31 ये नाम है किसका, हेलीकॉप्टरों का, हेलीकॉप्टरों के खरीद को हाल में ही मंजूरी दे दी है। तो आपको बताना है कि जो ये हेलीकॉप्टर है जिनका नाम है कामो 31 ये कौन से देश से खरीदे जाएंगे। अभी अभी इंडिया ने इनको खरीदने के लिए मंजूरी दे दिया है, तो आपको बताना है कि कौन से देश से लिए जाएंगे। तो ये है रूस। देखिए यहाँ पर भी कई क्वेश्चन बनेंगे, सरकार ने रूस से कौन से हेलीकॉप्टरों को खरीदा है तो इसका नाम है कामो 31, कितने खरीदा है तो 10। और पूछा जाएगा कि कामो 31 क्या है, तो कामो 31 क्या है तो यह एक हेलीकॉप्टर है जो कि भारत सरकार खरीद रही है, किससे तो रूस से। देखिए यहाँ पे इस तरह एक क्वेश्चन में आपको तीन से चार चार क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि मेरी लबोन क्रिकेट क्लब मतलब कि MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन है। मतलब कि ऐसे
जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जो कि ब्रिटेन से नहीं है, तो आपको बताना है उनका नाम। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन से नहीं है, तो ये हैं कुमार संगकारा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, कुमार संगकारा किस देश के हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसका उत्तर हम आपको नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कुमार संगकारा कौन से देश से हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में आए चक्रवाती तूफान फौनी से सबसे अधिक कौन सा राज्य प्रभावित रहा? तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा उड़ीसा। ये कब आया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आया था 3 मई को। 3 मई को ये उड़ीसा के तट पर टकराया। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही थी और इसमें उतनी जान मान का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सरकार पहले से अलर्ट थी। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेगा हमने आपको बता दिया। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है कि मतलब कि कौन इससे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ, तो ये है उड़ीसा। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? अगला क्वेश्चन कि 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर में, और जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। और पिंक सिटी मतलब ये है कहाँ पे, तो राजस्थान में, राजस्थान में है। और यहाँ पे राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ पे आयोजित किया जाएगा 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन कि भारत फ्रांस के अंतरिक्ष सहयोग में योगदान के लिए सेवेलियर डी लार्ड नेशनल डी ला लिगियन डी ऑनर, देखिए ये पुरस्कार का नाम है इतना बड़ा कि सेवेलियर डी लार्ड नेशनल डी ला लिगियन डी ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है किसको? जो भारत और फ्रांस का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इसमें से किस भारतीय व्यक्ति को ये इतना बड़ा अवार्ड मिला है, ये आपको बताना है। तो ये मिला है एस किरण कुमार को, एस किरण कुमार को। अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 3 मई को। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम मतलब कि NCAP के क्रियान्वयन के लिए हाल में ही एक समिति का गठन किया है, इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये किया गया है श्री चंद्र कुमार मिश्रा, और ये बनाए गए हैं इस समिति के हेड। अगला क्वेश्चन कि निम्न में किस देश ने अपनी राजधानी को नई जगह बसाने का फैसला किया है? तो यह है इंडोनेशिया। आपको बता दें कि आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जापान के शाही घराने में पिछले 200 वर्षों में यह पहला अवसर है जब सम्राट ने अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ दी है। इस घटनाक्रम के बाद यहाँ पे नए सम्राट को घोषित किया गया है, उनका नाम क्या है? कुल मिला के आपको बताना है कि जापान के नए सम्राट का नाम क्या है। तो इनका नाम है नारोहितो, नारोहितो, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, अब आपको बताना है कि यह कौन से राजनीतिक दल से रिलेटेड है? तो यह है लिक्डू पार्टी, लिक्विड पार्टी, लिक्विड पार्टी से हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो इसराइल के। इसराइल भारत का एक पुराना दोस्त है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इसका PDF डाउनलोड करिए, और इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।